नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में G20 के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बहुत ही शानदार तरीके से पूरी हुई। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के डेलीगेट्स श्रीनगर में आए, कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय किया और पूरी दुनिया में फेमस दाल लेक में बोटिंग की। मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था और इस G20 वर्किंग ग्रुप के टूरिज्म इवेंट को करके हमने कश्मीर को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचा दिया और दुनिया को ये मैसेज दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आगे चलकर कश्मीर एक बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री बन सकता है। नाउ ये मैसेज बहुत ज़रूरी था क्योंकि चाइना दुनिया को ये कहता रहता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक मिलिटराइज्ड जोन है, हम यहाँ पर होने वाले किसी भी इवेंट में शामिल नहीं होंगे। चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस इवेंट को बॉयकॉट करो चिल्लाने लग गए। पाकिस्तान, जिसको खुद के देश में लगी आग को बुझाने की क्षमता नहीं है, कहाँ जा रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आगे सितंबर तक चल सकता है। मगर ऐसी सिचुएशन में भी पाकिस्तान को भारत के इवेंट्स में नेगेटिविटी फैलानी है। बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि भारत श्रीनगर में G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अपने G20 की प्रेसिडेंसी को अब्यूज कर रहा है। कश्मीर दुनिया की सबसे हैवी मिलिटराइज्ड जोन्स में से एक है और यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। G20 की मीटिंग के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने इसके बारे में पूछा, तब उन्होंने इसका आंसर दिया कि देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी को पहले अपने लोगों के लिए फूड और दूसरे एसेंशियल आइटम्स का इंतज़ाम करना चाहिए। भारत इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है। मगर आप देखो, पाकिस्तान जो इस वक्त एक कम्प्लीटली फेल्ड स्टेट बन चुका है, जिसकी खुद की इकोनॉमी IMF के लोन के लिए मोहताज है, वो OIC नेशंस को, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के जद्दा में है, यूनाइटेड नेशंस के बाद कोई दूसरा बड़ा ग्रुप है तो वो OIC है। पाकिस्तान ने OIC नेशंस को लेटर भेजना शुरू कर दिया कि हमारे लिए आप सभी जम्मू एंड कश्मीर में G20 मेंबर्स की मीटिंग को बॉयकॉट करो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम G20 के मेंबर हो? नहीं। श्रीनगर भारत की टेरिटरी में है, अब हम इस इवेंट को भारत में कहीं भी करें, तुमको इससे क्या? देखिए, जो G20 के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई उसमें टोटल 5 देश नहीं आए। एक चाइना ने तो ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो इस मीटिंग को बॉयकॉट करते हैं, मगर इसके अलावा 4 और देश नहीं आए, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और ओमान। देखिए, चाइना, सऊदी अरेबिया और तुर्की, ये तीनों G20 के मेंबर हैं, मगर इजिप्ट और ओमान G20 के मेंबर नहीं हैं, उनको एज ए स्पेशल इन्वाइटी बुलाया गया था। अब चाइना ने जिस तरह से ऑफिशियली मीटिंग में आने से मना कर दिया कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, मगर सऊदी अरेबिया और तुर्की ने ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही इजिप्ट और ओमान ने। देखिए, तुर्की एक तो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान है। आपको शायद याद होगा कि कुछ ही महीने पहले तुर्की में लगातार बड़े भूकंप आए थे, हमने वहाँ पर ऑपरेशन दोस्त चलाया था, अफेक्टेड लोगों को रिलीफ मटेरियल बांटा था, मगर तुर्की ने ये सब भुलाकर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कश्मीर का इशू रेस किया। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि तुर्की में इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से कोई ना आया हो। और रही बात सऊदी अरेबिया की, तो देखिए, टू द मोस्ट एक्सटेंट कश्मीर को लेकर सऊदी अरेबिया का हमेशा से ही एक न्यूट्रल स्टांस रहा है, ये लोग कश्मीर पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, तो शायद इस कंट्रोवर्सी से बाहर रहने के लिए G20 मीटिंग में सऊदी अरेबिया से कोई ना आया हो। मगर जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा वो ये कि इजिप्ट से कोई नहीं आया। देखिए, इजिप्ट और ओमान दोनों G20 के मेंबर तो नहीं है,
मगर इनको भारत की तरफ से स्पेशल इनविटेशन भेजा गया था। देखिए कई बार क्या होता है कि इन वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग में ज़्यादा कोई आते नहीं, इन मीटिंग्स में सभी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आते हैं। तो इस बार जैसे इंडिया की प्रेसिडेंसी में सिवाय फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को छोड़कर G20 के सभी मेंबर्स आए, ऐसा कहीं और बहुत कम देखने को मिलता है। ओमान से कोई नहीं आया, मगर उससे भी बढ़कर इजिप्ट का ना आना सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि इस साल रिपब्लिक डे परेड में हमने इजिप्ट के प्रेसिडेंट LCC को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इंडिया और इजिप्ट के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सूज कैनल के थ्रू इंडिया हर साल एस्टिमेटेड 200 बिलियन $ का व्यापार करता है। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इजिप्ट भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स परचेज करना चाहता है, तो इजिप्ट का ना आना एक सरप्राइजिंग फैक्टर तो है। तो ओवरऑल तुर्की, सऊदी अरेबिया और चाइना को छोड़कर G20 ग्रुप के सभी डेलीगेशंस श्रीनगर आए। मगर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और OIC नेशंस को टैग करते हुए कहता है कि कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो कश्मीर में G20 मेंबर्स की इस इवेंट के बाद पूरी दुनिया को चाइना और पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया है कि कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बल्कि पाकिस्तान दुनिया को ये बताए कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब खाली करेगा। नाउ फाइनली इस इशू को लेकर मैं आप सभी के ओपिनियंस जानना चाहूँगा। डू राइट योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन। लाइक ऑलवेज आई विश यू ऑल ए वेरी गुड हेल्थ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।